मेरा नाम मोहित डागर है, मैं रिपीटर हूँ। 2019 में मैं सीएलसी में आया था, 2018 में मेरी सिस्टर आई थी, 2019 में मैं मम्मी के साथ आ गया था जिसमें मैं मेरी सिस्टर साथ रहे। 2019 में मेरी सिस्टर का सिलेक्शन हो गया, 2020 में लॉकडाउन लग गया, एग्ज़ाम के बाद तो सब घर चले गए, तो जिसकी वजह से पूरा गड़बड़ हो गया। तो वहाँ 2020 में नहीं हुआ, 486 मार्क्स आए थे नीट में। उस पर 2021 में सेल्फ स्टडी की थी, सीएलसी की टेस्ट सीरीज सिर्फ, जो कि बहुत गलती की थी, जिसकी वजह से 559 मार्क्स आए थे, पेपर छूट गया था बाकी फिजिक्स में। अब की बार 4 साढ़े 4 महीने पहले सिर्फ टेस्ट सीरीज के बेसिस पर आ गया था सीएलसी में पहले ही। और उसके बाद अंकित सर ने और आपने बहुत ज़्यादा साथ दिया, और इसके अलावा एक मेरा भाई है हेमंत भाई, उनका भी, और मेरी गांव की फर्स्ट डॉक्टर भी आपने बनाई है, मेरी बहन है विद 12th, और सेकंड ईशा डॉक्टर, ठाकुर, हाँ, और सेकंड डॉक्टर जो मेरा भाई है वो भी सीएलसी से ही है, और क्या थर्ड बात मैं हूँ वो भी है सीएलसी क्या से। बात है। तीन आप क्या डॉक्टर कहना चाहते हैं जो बच्चे कई बार, जैसे तू डिस्टर्ब हो गया, नंबर कम आए, गांव चला गया, एक एक बीमारी है, घर पे तैयारी कर लेंगे अपने आप, उनको क्या कहना चाहते हो आप लोग? पहली गलती 12th के साथ जो कि एग्ज़ाम नहीं दिया, एक भी पेपर बिना दिए डायरेक्ट नीट का एग्ज़ाम देने चले गए, तो उससे कुछ नहीं होगा, अप्लाई कर लिया है और गलती हो चुकी है, तो प्लीज़ और कोई मत करना। सेकंड, कहीं भी घर पे बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करना बहुत मुश्किल है, कुछ परसेंट, 1-1% बच्चों की हो हाँ, वो जाती एक है, कोर गिफ्ट होते हैं वो। तो आप प्लीज़ कोई भी कोचिंग में जाएं, उसका शेड्यूल फॉलो करें, और मैं तो प्रीफर करूँगा यहाँ आए, आपको खुद जो पेरेंटल गाइडेंस मिलेगी उसकी बराबरी नहीं हो सकती, उसके अलावा टीचर के कॉन्टेक्ट में पक्का रहे, उसका प्रॉफिट एंड के रिजल्ट में आपको पक्का मिलेगा, बॉस के विश्वास के। तो मैं 11th में आया था, बॉस आरोहण नाम का आपका फर्स्ट मैंने वो किया था अटेंड, उसमें आपने एक बात बोली थी कि आप वो सेब नहीं है जिसे काट कर कोई भी देख ले कि आप में बीज कितने कितने बीज हैं, आए, आप वो बीज है जिसमें कोई नहीं बता सकते उस पेड़ में कितने सेब उगेंगे। और उसके बाद आपने एक बार, मतलब मोटिवेशन के लिए तो क्या क्या बताऊँ, मैं आपके पास मिलने आया था एक बार, मेरे नंबर कमाने लग गए थे बीच में, बीच में 2 टेस्टों में, जब आपने मोटिवेट किया फिर मैं मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो आपने असेंबली में बोला था, उस बात को रियलिटी में मेरे पे बहुत अफेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक यू।